हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, तो आप इस क्लास में बने रहें। मैं आपका भाई तेजपाल मेहंदी आर्ट एस आज लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मस्त डिजाइन है। जो ये डिजाइन हम ब्राइडल मेहंदी में यूज़ करते हैं और नॉन ब्राइडल में, ठीक है गाइस? तो क्लास में बने रहें। सबसे पहले डालेंगे हम एक लाइन बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उस पर डालेंगे हम छोटे छोटे स्मॉल सर्कल, बिल्कुल फिनिशिंग से बिल्कुल बराबर। ओके, अब यहाँ पे हम बनाएंगे राउंड सर्कल, बिल्कुल जलेबी वाला, बिल्कुल सेफ गोलाई बिल्कुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बनाएंगे रोज का डिजाइन, टच करेंगे, पुश करेंगे इस तरह से। कुछ आपको दिखाई दे रहा ना। अब यहाँ पे आउटलाइन डाल के टच करना है, पुश करना है इस तरह से। लेयर डाल दिया, ठीक है। इसको हम भर देंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल आराम से फिनिशिंग से। इस रोज को बनाने का ना डिजाइन अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा सब चीज। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें कि रोज का डिजाइन कैसे बनता है, और समझते रहना और बारीकी से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने टच करेंगे, पुश करेंगे कुछ इस तरह से। देखो ये पहले हमने बनाया था आउटलाइन डाल के, हमने बनाया लाइन डाल के, टच करना है, पुश करना कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे वैसे बनाएंगे, आउटलाइन डाली बिल्कुल राउंड, गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और टच करेंगे, पुश करेंगे कुछ इस तरह से, पहले पतला फिर मोटा फिर पतला कुछ इस तरह से। और आपके रोज बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि छोटा बना दिया कोई बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि आप बराबर बनाओगे तो आपका डिजाइन और भी सुंदर, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, देखो हमने डिजाइन कैसे बनाया, देखो समझ आ गया ना। अब हम यहाँ पे डालेंगे लेयर, टच करना है, पुश करना है, छोड़ दिया, टच करेंगे, पुश करेंगे, छोड़ दिया कुछ इस तरह से। देखो कैसे बनाते हैं, टच करना है, पुश करना है, छोड़ेंगे ऐसे जिस तरह से, प्यारे प्यारे लेयर। देखो अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पे फिर टच करेंगे, पुश करेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से बना दिया, ये बन गए। अभी बीच में हम डॉट डॉट के डिजाइन, ठीक है, ताकि हमारा डिजाइन और भी खूबसूरत और सुंदर लगे। ये डिजाइन आप किसी ब्राइडल की ओपनिंग में बना सकते हैं। जब आप किसी की ब्राइडल मेहंदी लगाते हो ना, तो आप ये डिजाइन बनाएं, ओपनिंग इतनी सुंदर होनी चाहिए ताकि आपका क्लाइंट आपके जो मेहंदी लगवा रहे हैं जो आपसे, तो देखें कि हाँ भाई ओपनिंग तो अच्छी सुंदर है, बाकी तो चलता रहता है। तो कोशिश करना कि ब्राइडल मेहंदी जब लगाते हो ना, तो उसमें डिजाइन अच्छे से अच्छे दें, ताकि आपका क्लाइंट आपसे बना रहे और आपको भूले ना कभी, आपको याद रखे। आप अपना नंबर दो उनको, तो आपको कॉल करेंगे या बुलाएंगे आपको, या कोई आपका पड़ोस में आएंगे तो उनके पड़ोस के जो है वो बुलाएंगे आपको। अच्छी और सुंदर मेहंदी लगानी है, ठीक है, और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। जल्दबाजी करोगे तो आपका डिजाइन ख़राब हो जाएगा, आपका क्लाइंट आपसे कट जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा, तो आपको वो ना कॉल करेंगे ना आपको बुलाएंगे। आपकी मेहंदी सुंदर लगेगी, डिजाइन अच्छा लगेगा, आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, तो आपका क्लाइंट आपको याद करेगा, आपको कॉल करेगा, और हर फेस्टिवल त्यौहार करवा चौथ या कोई आपके घर में फंक्शन होगा तो आपको याद करेगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे बनाए हमने देखो इस तरह से लोटस पे डिजाइन दी। अब इसको हम ली बना के, लीव का डिजाइन थोड़ा बड़ा बनाना है, छोटा नहीं। अब यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, नहीं बोल्ड नहीं करना, यहाँ पे एक और फ्लावर बनाना है लोटस का। देखो कैसे बनाते हैं, टच करेंगे, पुश करेंगे, और आपका डिजाइन फिनिशिंग तो जरूरी है। आप डिजाइन बनाना तो सीख जाओगे, और जो मेन चीज़ होती है उसमें फिनिशिंग के लिए आप क्या करोगे, आपकी कौन था मेहंदी जो मास्टर कौन है
कोई भी कॉर्न या मार्केट की कॉर्न हो या आपकी हाथ से बनी हुई हो, आपकी ताज़ा कॉर्न होनी चाहिए और ताज़ा होगी और आपका डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, तो आप इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ये डिज़ाइन भी आप ओपनिंग में बना सकते हो और बीच में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। मैंने आपको ब्राइडल मेहंदी के डिज़ाइन दिखाए हैं, उसमें ये मैंने उपयोग कर रहे हैं, तो आप ब्राइडल मेहंदी के वीडियो देखें, उसमें समझे, मैंने उसमें सब समझाया आपको। अब इसको हम भर देंगे। गाइस, कुछ इस तरह से आराम से भरनी है, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जल्दबाजी करोगे तो आपका डिज़ाइन क्या हो जाएगा बताओ? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो आपका डिज़ाइन मस्त अच्छा सुंदर नहीं लगेगा, तो इसलिए कहते हैं पहले फिनिशिंग फिर स्पीड। स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी, आपको सिर्फ फिनिशिंग जरूरी है। ओके गाइस, लाइन डाल के यहाँ पे हमने छोटे छोटे इसमें सर्कल डाले हैं, कुछ यहाँ पे बनाएंगे फ्लावर का डिजाइन, कुछ इस तरह से गोलाई बिल्कुल राउंड की तरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है कैसे बनता है डिजाइन, कैसे नहीं बनता। देखो कैसे कैसे बना। यहाँ पे हम डालेंगे लाइन, अब यहाँ पे हम इसको ना बोल्ड करके इसको भर देंगे कि हमारा फ्लावर है। ओके, अब यहाँ पे हमको हेडिंग की डिजाइन डालेंगे ताकि हमारा डिजाइन और भी सुंदर और अच्छा लगे। ये डिजाइन भी आप ओपनिंग में दे सकते हो। ये आपको याद रखना है, जो मैं आपको डिजाइन समझा रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 बार ये डिजाइन बना के देखने हैं आपको, और फिनिशिंग से बनानी है। जब तक आपके हाथ में फिनिशिंग ना आए तब तक आपको ये डिजाइन देख देख कर आपको बनानी, ठीक है, कुछ इस तरह से। जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपका आप ये डिजाइन भूलोगे नहीं, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे हम लीव का डिजाइन। ओके, लीव का डिजाइन बिल्कुल सफाई से बनाना है और फिनिशिंग से। यहाँ पे बनाएंगे लीव, पेपर लीव। लीव थोड़ी आपकी बड़ी होनी चाहिए, छोटी बनाओगे तो आपकी लीव समझ नहीं आएगी तो आपने क्या बनाया क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से, कुछ इस तरह से हम ये लीव का डिजाइन घर भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बना के लीव हमने एक लीव ऊपर बनाई है थोड़ी सी बड़ी वाली। अब यहाँ पे हम लाइन डाइन करेंगे 9, 1, 2 कुछ इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से भर देंगे। ओके गाइस, ये हमने भर दिया। अब इधर भी हम कुछ इस तरह बनाएंगे, इधर भी चैन, जो आपको अच्छा लगे डिजाइन तो आपको वही ओपनिंग में देना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, मेहनत करनी है और सीखना आपको, मेहनत करने में कुछ नहीं है, मेहनत करो आपकी हाथ में फिनिशिंग अपने आप ही आ जाएगी, कुछ नहीं करना। लगता है ना यार क्या पता नहीं कितना मुश्किल डिजाइन है कैसे बनाऊंगा, तो शुरू में तो ऐसे लगता है बनता नहीं है, मेरे से भी नहीं बन रहा था शुरू में, तो मैं भी सोचता क्या यार, पर मैंने मेहनत करी बनाना सीखा, और आप भी मेहनत करो बनाना सीखो, कुछ भी नहीं है। जैसे हम छोटे क्लास में जाते हैं ना, हाथ से अनार बनाना सीखते हैं, बनता नहीं है, धीरे धीरे बनाना सीख जाते हैं, वो भी ये भी इस तरह है, आप बनाना सीखो बन जाएगा। ओके, ये हमने डिजाइन देखो बना दिया, लाइन डाल के यहाँ पे सर्कल डालें, फिर राउंड सर्कल, फिर हमने ड्रॉप का डिजाइन, फिर आउटलाइन, जैसे हमने शुरू का डिजाइन है ना कुछ इस तरह से बनाना है, टच करेंगे। अब देखो ये कैसे भरते हैं, और इसको हम भर देंगे। आपको ना बारीकी से समझना है, जो आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में लिख के बताएं कि
ये डिजाइन मुझे बनाना नहीं आ रहा, तो मैं आपको डिजाइन के लिए एक वीडियो आपको लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करोगे, लाइक ज़रूर करना, इतना तो बनता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप लाइक ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन दबा के इसको प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आपके पास आती रहे और आपको नई नई वीडियो का आनंद मिलता रहे। ओके, देखो हमने बनाया बीच में रोज का डिजाइन, यहाँ बनाया फ्लोवर का डिजाइन। ओके, टच करना है, पुश करना है, टच करना है, पुश करना है, कुछ इस तरह से आपका डिजाइन सुंदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे डिजाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने प्यारे लग रहे हैं डिजाइन। आपको कौन सा डिजाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो कमेंट में लिख के बताना, मुझे को पता चलना चाहिए कोई कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अब यहाँ पे हम करेंगे लीव का डिजाइन बना के कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी एक लीव के डिजाइन बिल्कुल फिनिशिंग से, और अपनी कोन को साफ करते रहें ताकि आपका डिजाइन कचरे पिचर ना हो और आप मुझे सुंदर बने। ओके, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक और लीव बना के यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो पाइप हमारा पाइप आ गया, लाइन डाल के हमने छोटे छोटे स्पॉन्सर डाल दिए हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम राउंड सर्कल, इस पे हम फिर राउंड ये बना देंगे फ्लोवर का डिजाइन। ओके, यहाँ पे भी इस तरह से ही, यहाँ पर कोई और भी डिजाइन दे सकते हैं आप, मैं फिलहाल यही डिजाइन दूंगा। तो आपको राउंड सर्कल डाल के फिर राउंड एक और राउंड, बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपके फ्लोवर। ये नहीं कि कोई छोटा बना दिया कोई बड़ा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। आपको 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी है और समझना है, वीडियो देख के प्रैक्टिस करते रहें, बार बार देखें, एक बार ना आए दो बार देखें, दो बार ना आए 5 बार देखें, देखते रहें और समझते रहें, सीखते रहें। ठीक है, और आज तो छुट्टियाँ पड़ रही हैं स्कूलों की, उन बच्चों को घर बैठ के मेहनत सीखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें जो मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लाइन डालनी है जो फ्लोवर की डंडी होती है ना, उस तरह से लीव फिर फुल लीव। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन, अच्छा लग रहा है, सुंदर भी है, प्यारा भी है। अब देखो चारों डिजाइन, मेरे पांचों डिजाइन सुंदर लग रहे हैं, ये हमारा डिजाइन पांचवा है। अब इसको फटाफट बोल्ड कर देते हैं, देखो हमने कर दिया, ताकि आप बोर ना हो और जल्दी जल्दी हमारी वीडियो बन जाए। इसको शेडिंग कर जाएंगे, इसको बोल्ड करके इसको भरेंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे बनाना है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस करें। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि कोई इस वीडियो को आनंद उठा सके और वीडियो देखकर मेहंदी लगाना सीख सके। ओके गाइस, तो मेरा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, तो अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ अच्छा डिज़ाइन और सुंदर ब्राइडल मेहंदी के जुड़े हुए कुछ पार्ट्स लेकर आऊँगा मैं, तो आप अगली वीडियो को मेरा इंतजार करें। ओके गाइस, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो को मेरा इंतजार करें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करना ना भूलें। ओके, तो फिर मिलेंगे। अच्छा गाइस, ओके बाय।